सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। वी विल डिस्कस टुडे हरियाणा पटवारी एग्जाम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो अभी हमने कई वीडियोस में बात किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसके शासन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, तो बताइए कौन थे, किसके टाइम पीरियड में थे? तो वो थे आपके वेलिंगटन। याद आ गया होगा आपको वेलिंगटन, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, नहीं तो आप याद कर लीजिए। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी और ना कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है, ये स्टेटमेंट किसका है? कौन नेशनल लीडर थे जिनका स्टेटमेंट है? एमके गांधी, बिल्कुल। तो गांधी जी का स्टेटमेंट है, पक्का याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया और जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का भी प्रारंभ किया? ठीक है, तो इसका जवाब बताइए अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये थे आपके चंपक रमन पिल्ले, ये जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीपुर केस में किसको सरकारी गवाह बनाया गया था? ठीक है, कौन सरकारी गवाह बन गए थे? तो ये थे आपके नरेंद्र घोष। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? लिबरेशन फेडरेशन, तो लिबरेशन फेडरेशन किसका है बताइए? तो इसका जवाब है आपका तेज बहादुर सपरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम, याद कर लीजिए। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण है? ठीक है, ब्राह्मण की बात हो रही है तो पुस्तकों की बात हो रही है, तो दो ब्राह्मण है। जैसे आपने ऐत्रेय वगैरह सुना हो ना, ऐत्रेय कौशिकी की, तो दो ब्राह्मण है। और किस भूगोल वेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची? सोचिए, सोचकर बताइए क्यों, क्या जवाब हो सकता है इसका? इसका जवाब है आपका टोलेमी, याद कर लीजिए। या अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। रहीम किस बादशाह के दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। रहीम, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जो यहाँ पर रहीम है, ठीक है, वो अकबर की कोर्ट में है, और यहाँ पर जो रहीम का नाम का मतलब है वो हम यहाँ पर बात हो रही है अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, सुना होगा ना आपने खाने खाना, इनके वो थे अन्नव्रतनों में, उन्हें रहीम भी बोला जाता था। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? चंद्रमा के मून के साइंटिफिक स्टडीज को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। एग्रीकल्चर कैन नॉट वेट, न्यू होरिजन्स इन इंडियन एग्रीकल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब है आपका, कौन है, कॉमन सेंस से भी हो सकता है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एमएस स्वामीनाथन। तो आप इनके जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, नहीं तो आप इन्हें याद कर लीजिए। ये सब हमने अपने टेस्ट सीरीज जो हमारी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। और पुस्तक है आपके मार्क्स, गांधी और समाजवाद किसने लिखी? तो ये थे आपके राम मनोहर लोहिया। स्वर्गीय गुदई महाराज ने ख्याति अर्जित की, किस क्षेत्र से जुड़े थे आपके गुदई महाराज? तो बताइए, तबला, तबले से थे। कल्चर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, 1951, 1952, 1953 और 1956, बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका? हाँ, इसका जवाब है आपका 1953। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में गणपति कहकर किसको संबोधित किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गणपति वैदिक लिटरेचर में किसे कहा गया? तो वो थे आपके बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए।
बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? देखो ज्योग्राफी के मैप का क्वेश्चन है और बरमुडा हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक ओशन है आपका, यानी कि वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहां पर है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली। बात हो रही है हरियाणा पटवारी वाले एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। यम और नचिकेता के मध्य, यम और नचिकेता की जो कहानी है किस ग्रंथ में? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है ये, तो इसलिए रखा गया कि इंपोर्टेंट है। तो इसका जो जवाब है आपका वो है कठोपनिषद। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप में स्थित मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति थे, जिन्होंने रूसी एवं चीनी साम्यवाद को घेरने की नीति भी बनाई थी? बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है। और 1953 एवं 57 में अमेरिका के राष्ट्रपति भी चुने गए, बताइए क्या नाम था इनका? बड़ा अच्छा सवाल है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सर्वोच्च सेनापति भी थे और उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का मौका भी मिला। तो इसके जो जवाब आएगा वो था आपका ड्वाइट आइजनहावर। स्वेज नहर किसने बनवाई? बड़ा अच्छा सवाल है। स्वेज नहर का रोल करंट अफेयर्स में हमें हर हफ्ते दूसरे दिन अखबारों में मिलता ही है, तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स, फर्डिनेंड और डी लेसेप्स। राजा राममोहन राय की समाधि कहां पर है? तो राजा राममोहन राय की जो समाधि है वो भारत से बाहर ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? उमाकांत तो बताइए किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो ध्रुपद गायक है, ध्रुपद गायक। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसकी है? कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, तो ये थे आपके एस ए डांगे, आपको आता ही होगा, नहीं तो आप इसे याद कर लीजिए। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। डे के ऊपर भी सवाल आता है, जरूर याद करके जाइए आप सारे। 27 सितंबर। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया? देखो कब किया गया ये इस बार सवाल पूछा गया आपसे, तो कोशिश करो अगर आप बता सकते हो, तो मैं बता देता हूँ 12 अगस्त 1981। इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? तो ऑप्शन बता देता हूँ एक बार, 64 66 68 और 70, बताइए। इसका जवाब है आपका 64 बिट। अच्छा सवाल है। ओ लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो उसका नाम था आपका यूनिक्स। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पक्का याद कर लो। सुपर कंप्यूटरों में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। 0 से 25 नैनो सेकेंड। एक और सवाल देखते हैं, सुपर कंप्यूटरों में डिस्क से डाटा एक्सेस करने की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो यह है आपका 500 MB/s। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जो जनक है ये है आपके बिंट सर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? तो बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके लाला लाजपत राय, जरूर याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी हरियाणा पटवारी एग्जाम के लिए आप हमारा जो है स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हो और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर या हमारी वेबसाइट से आप देख सकते हो। तो
चलिए फिर से मिलेंगे आपसे। देखो एक बात थोड़ा सा मैं स्टडी मटेरियल के बारे में बता दूं कि हमने हर चीज़ को रखने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और सारे सवाल कवर होंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।